गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, सुप्रभात। अभी लगभग 9:10 हो रहे हैं सुबह के, और लोग ठंड में ज़्यादा सोते हैं, उन्हें उठने की मन नहीं करता है, और मैं गर्मी में ज़्यादा सो रहा हूँ। वैसे उठा तो मैं 5:30 ही हूँ, लेकिन फिर सो गया था और अभी आधे घंटे पहले उठा हूँ। अब उठ चुका हूँ तो मैं चला अपना एनर्जी ड्रिंक लेने बिस्किट के साथ, उसके बाद वीडियो एडिट करना है अपलोड करने के लिए कल का। तो मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में, और आज करेंगे टूर पटना के पालिका बाजार का, और हो सके तो मरीन ड्राइव का भी। मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में, बाय बाय। बहुत सारा एनर्जी ड्रिंक पिया होगा, बहुत सारा प्रोटीन पाउडर पिया होगा, लेकिन बिहार का स्पेशल प्रोटीन पाउडर है वो मैं आप लोगों को आज बनाना सिखाता हूँ, और वो है चना का सत्तू। ये कैसे बनता है बताते हैं। ये पहले लेंगे एक बड़ा वाला गिलास, गिलास में डालेंगे नॉर्मल ठंडा पानी, नॉर्मल से थोड़ा सा ठंडा, ताकि पीने में भी मजा आए। ये हमारा एक गिलास पानी, ये आधा लीटर पानी है, और इसमें हम डालेंगे अब सत्तू, जितना हमें डालना हो। लगभग मैं लूँगा 3 चम्मच, क्योंकि थोड़ा गहरा पीऊँगा मैं। ये हो गया सत्तू, इसको हम लोग मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें डालेंगे अब हम लोग ढेर सारा प्याज, नींबू, और अब डालेंगे नमक। इसमें अगर हम लोग काला नमक डालेंगे तो स्वाद इसका और ज़्यादा बढ़िया है, तो मैं वही डालने जा रहा हूँ, व्हाइट नमक नहीं, काला नमक, लगभग 1 चम्मच। और इसे फिर से हम लोग मिक्स करेंगे। आप चाहो तो इसमें मिर्च भी डाल सकते हो, हरा मिर्च काट के, अगर तीखा खाना हो तो, अगर तीखा नहीं खाना हो तो ऐसे भी चलेगा। इसमें चाहो तो आप आम की चटनी भी डाल सकते हो थोड़ा सा, लेकिन मेरे पास वो है नहीं, वो और स्वाद बढ़ा देता है इसका। और ये हमारा मिल्क तैयार हो गया सत्तू। ये हमारा बिहार का अपना प्रोटीन पाउडर जो बहुत ही फेमस है, और गलियों में आपको हर जगह मिल जाएगा, ठेले पे, रोड किनारे। और ये हमारे पेट के लिए भी बढ़िया होता है और हेल्थ के लिए भी। और स्वाद इतना स्वादिष्ट होता है, कृपा कर एक बार आप स्वाद टेस्ट कर लो इसको, बार बार पियोगे। इसे पी के मैं चला बाहर, मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में। लगभग 2:00, जैसे लगभग 2:15 हो रहे दोपहर के, और सन्नाटा है रोड पूरा, और रीज़न एक ही है, धूप। इस धूप को एक ही इंसान को बस चाहत है, वो है कोई मिल गया का जादू, और कोई चाहता ही नहीं है कि धूप आए, भी इतनी कड़ी धूप आए। बस ये बच्चे नजर आएंगे खेलते कूदते, क्योंकि इन्हें फर्क नहीं पड़ता, टैनिंग हो जाए
लू लग जाए, जो भी हो, इन्हें बस मस्ती ही चाहिए। आसमान में सार्क देख के मैं भी चौंक गया था। मछलियाँ तैर रही थी आसमान में, ये ना जाने कैसे हो रहा था। फिर मैं आगे बढ़ गया और आगे बढ़ा तो मुझे सारा नज़ारा बदला बदला सा लग रहा है। ये बोरिंग रोड है पटना का, सब बदल गया है। यहाँ पे कुछ झूले लगे हुए थे जो पता नहीं कब काम करते हैं, अभी तो नहीं चल रहे थे। ये बड़े बड़े झूले जो आप देख सकते हो, मेरा भी मन था कि मैं इस पे झूलूं, लेकिन मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी थी तो मैंने झूला नहीं झूला। ये है हमारा बिहार म्यूज़ियम, जहाँ पे कंकाल रखा जाता, मतलब एंटिक चीज़ें, पुरानी चीज़ें। अब हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और चलते चलते हम लोग पहुँच गए पटना का चूड़ी मार्केट, जो नाला रोड में है। यहाँ हम क्यों आए थे हमें भी नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पे पटना में होलसेल रेट में चूड़ी, इयर रिंग्स और जो भी मेकअप वगैरह का सामान होता है यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, कम दाम पे। तो आप अपने शादी वादी के लिए लेना चाहते हो या फिर कम दाम में लेना चाहते हो तो यहाँ ज़रूर पधारी। ये रोड पे ही है, नाला रोड में, चूड़ी मार्केट के नाम से आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे देख रहे हो आप, लेकिन बेसिकली ये ज्वेलरी और चूड़ी के लिए फेमस है ये मार्केट। यह है पालिका बाजार पटना का, और इसको पटना में खेतान मार्केट के नाम से जाना जाता है। एक बात बता दूं, जितनी भी पटना की लड़कियां हैं, छपरी निब्बी, वो सारे यहीं से शॉपिंग करके जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे कम दाम में फैशनेबल चीज़ इजीली मिल जाता है। 100-150 में चप्पल मिल जाएगा आपको, टॉप 150 में मिल जाएगा, इस तरीके से सारी चीज़ कम दाम में मिल जाते हैं। मतलब अगर आप चाहो तो ऊपर से नीचे तक 1000 रुपये में सारा निपट जाएगा। और मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर मेरा एक टी शर्ट भी लेने जाऊँ तो कम से कम 500-600 से नीचे का कभी हम लोगों को नहीं मिलता। और यहाँ पे 500-600 में दो दो ड्रेस मिलते रहता है, तो इस चीज़ को लेके कभी कभी सैड भी फील होता है कि हमारे कपड़े इतने महंगे क्यों हैं। और ये पटना के पालिका बाज़ार का राजा है, मतलब यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगा आपको, लहंगा हो जो भी। मतलब 90% लोग जो है ना शादी का शॉपिंग करने यहीं पे आते, स्पेशली लड़कियाँ ही, जाहिर सी बात है लड़कियाँ यहाँ शॉपिंग करने आती हैं अपने शादी का लहंगा, चुन्नी, चूड़ा, जूती, जो भी हो यहाँ पे। और वैसे भी कोई भी फेस्टिवल में भी नहीं कि सिर्फ शादी में, यहीं पे पता देख सकते हो जैसा आप। ये सारी दुकानें यहाँ पे कुछ खाने पीने, अगर आप थक जाओ तो यहाँ पे खाने पीने का भी उत्तम प्रबंध है। लेकिन यहाँ पे सोचते है ये कहाँ घूम रहा है तुम, अभी तुम रोड के किनारे, भागो भागो, तुम्हारा बाल बच्चा उधर करा, तुम इधर बैठी हो। ये साइकिल सब लोग जो यहाँ काम करने आते उन्हीं का है। ये अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा रहा है, देखो हम लोग भी अपने शादी में यहीं से शॉपिंग करेंगे, तुमको कौन सा चाहिए मैं तुम्हें दिला दूंगा। अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि हमेशा ट्रैफिक जरूर मिलेगा। वो आप 10-11 बजे के बाद जब भी आ जाओ, और शाम के 7 बजे 8 बजे तक, 8 बजे 9 बजे तक भीड़ मिलता है आपको। और भीड़ आप देख रहे हो ना, सिर्फ लेडीज़ का है, 90% लेडीज़ नज़र आएंगी आपको यहाँ पे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी आओ अपने पत्नी के साथ, तो बच्चा को घर पे छोड़ के आओ, वरना आपकी बीवी कहीं और बिजी रहेगी और आपको बच्चे को लेके घूमना पड़ेगा, और वो इतनी शॉपिंग करेगी कि वो सो भी जाएगा और आपको लेके घूमना पड़ेगा, जैसा देखा आपने अभी। फूल पत्ती भी मिल रहा है, लेकिन सारे नकली, ये 100-150 सारा 100-150
अब हम लोग खाएंगे समोसा। यहाँ पे चल रहा है पटना मेट्रो का काम, डाक बंगला चौराहा के पास हैं हम लोग। एक एक समोसा 20 रुपये का था, लेकिन सच बता रहा हूँ क्वालिटी 10 रुपये वाले समोसा जितना भी नहीं था, एकदम बकवास। ये सारा तैयारी चल रहा है रामनवमी का, और सामने पंडाल लगा हुआ है छठ पूजा का। आज दूसरा दिन है ना छठ पूजा का, तो मूर्ति वगैरह बैठा हुआ है यहाँ पे। हम लोग जा रहे हैं मरीन ड्राइव के घर, हम लोग चढ़ने वाले मरीन ड्राइव पे। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ये बन रहा है मरीन ड्राइव का पार्ट। ये खेत वगैरह ये सब पानी में चला जाता था, अभी भी अगर बरसात हो अच्छे से तो ये सब में पानी भर जाएगा। पहले यहाँ गंगा माँ होती थी, अब यहाँ से बहुत दूर जा चुकी हैं। ये शाम का मौसम, आह कितना नज़ारा मस्त है, देख के आनंद ही आनंद आ जाता है। मरीन ड्राइव पर अगर आप आओ तो ऐसी व्यूज़ शाम में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे में सूर्य डूबने के टाइम पे आ जाओ तो मज़ा आ जाता है। और जब बरसात हो जाएगा ना तो दोनों साइड पानी भी भरेगा। अब शायद बंद कर दे तो ना भरे, क्योंकि अभी और बन रहा है। यहाँ पे आपको ज़्यादा कपल भी नज़र आएंगे, घूमने वाले लोग नज़र आएंगे, बट नज़ारे बहुत बढ़िया बढ़िया नज़र आते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज शाम हो ही चुका है तो मरीन ड्राइव का लुत्फ उठाते हुए ही आज घर जाया जाए। ये भी बन रहा है मरीन ड्राइव। ये सामने हमारा दिग्गा ब्रिज जो पटना से दिग्गा की ओर जुड़ता है, और ये खाने पीने का स्टॉल, यहीं से मरीन ड्राइव स्टार्ट ही होता है। आपको अभी मिलेगा बोर्ड आई लव पटना करके, और यहाँ से मरीन ड्राइव स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग जगह से यहाँ से मरीन ड्राइव का रास्ता जुड़ा हुआ है, अटल पथ यहीं पे आके जुड़ता है। वो सामने दिग्गा ब्रिज, थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग तो पटना एम्स जाने का एलिवेटेड रूट मिलेगा, दिग्गा एम्स जिसको बोलते हैं, दिग्गा एम्स एलिवेटेड रूट। ये रूट अब जा रहा है दिग्गा एम्स की ओर। ये रूट आपको ले जाएगा पाटलिपुत्र जंक्शन दानापुर अटल पथ या एम्स और भी ना जाने कहाँ का। अब इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आप भी जाओ मजे करो, अगर पटना में आओ कभी तो शाम के टाइम में मरीन ड्राइव जरूर पधारना, और सस्ते शॉपिंग करवाना हो गर्लफ्रेंड को तो पटना का पालिका बाजार जिसको खेतान मार्केट से जानते हैं वहाँ ज़रूर जाना। सस्ती चूड़ियाँ लेना हो तो नाला रोड चले जाना, फिर हम चले अपने घर।